न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबरें। बिग बॉस ओटीटी 2 की होस्टिंग के दौरान हाथ में सिगरेट पकड़े दिखे सलमान खान, सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल। जी हां, बिग बॉस ओटीटी 2 के वीकेंड के वार एपिसोड के दौरान सलमान खान के हाथ में सिगरेट लिए नजर आए। शनिवार को रात के एपिसोड में सलमान खान बिग बॉस के घर में पूरे सप्ताह की घटनाओं पर बात करते और प्रतियोगिताओं के एलिमिनेशन के लिए आए थे। जी हाँ, एपिसोड में नज़र आया कि सलमान ने एक फॉर्म शर्ट और पैट पहने थे। जी हाँ, ये फैंस जहाँ प्रतियोगिता के साथ सलमान की बातचीत जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते, वहीं कुछ दर्शकों ने सलमान के हाथ में सिगरेट देख ली। तस्वीरें जल्द ही रेडिट पर आ गई और फिर अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो गई। जी हाँ, कई प्रशंसकों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शुरू कर दिया। कई लोगों का मानना था कि शो में किस करने के बाद उन्होंने आकांक्षा पुरी को जयदादित को पारिवारिक मूल्यों और संस्कृति के बारे में समझाया था। उसके ठीक एक हफ्ते बाद एपिसोड के दौरान धूम्रपान करना सलमान का पाखंड था। जी हाँ, एक रेडिट उपयोगकर्ता ने लिखा, हम जानते हैं कि वह दिखावटी बात करते हैं, लेकिन अगर आप दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं तो कम से कम उनके सामने बेहतर व्यवहार करें। एक अन्य ने लिखा, ये ओटीटी पर है, टीवी पर नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई कानूनी मुद्दा नहीं है। बता दें, पिछले हफ्ते सलमान ने जैद हदीद के साथ किसिंग के लिए आकर्षा पुरी को की आलोचना की थी, जब उन्होंने सलमान को बताया कि वो पहले भी एक वेब सीरीज में ऑन स्क्रीन किस कर चुकी है, तो सलमान ने भड़कते हुए कहा था कि बिग बॉस ओटीटी 2 कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं है। सलमान ने कहा था, ये शो है पर्सनालिटी का और आप दोनों ने अपनी असली पर्सनालिटी दिखा दी, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, तो ये आप दोनों ने जो किया है आप दोनों ने अपनी मर्जी से किया है। सलमान ने कहा, तुम लोगों को ये सब करना है तो कहीं और जाके करो, मेरा काम खराब मत करो। रणवीर और सिद्धिमा संग बर्थडे ट्रिप एंजॉय करते दिखी नीतू कपूर, कहा है बहू आलिया और पोती राहत। जी हाँ, नीतू कपूर ने अपने बर्थडे ट्रिप बेहद शानदार तरीके से एंजॉय किया। वह जुलाई को नीतू कपूर ने अपना 65वां जन्मदिन मनाया। जी हाँ, इस खास मौके पर बेटा रणवीर कपूर और बेटी रिद्धिमा सहानी कपूर उनके साथ नजर आए। नीतू अपने करीबी दोस्त और बेटे बेटी के साथ बर्थडे ट्रिप पर नजर आई। जी हाँ, इस दौरान रेस्टोरेंट के बीच तक कपूर परिवार खूब मस्ती करता और खाता पीता दिखा। नानी के बर्थडे पर नातिन समारा सहानी ने भी खूब मस्ती की, कुछ इस तरह से समारा पानी में एंजॉय करते दिखे। जी हाँ, मामू रणवीर के साथ समायरा स्विमिंग करने की कोशिश करते दिखे। इस मोमेंट को समारा की मॉम रिद्धिमा ने कैप्चर किया। पूरी कपूर फैमिली इस दौरान साथ दिखी, लेकिन बहू आलिया भट्ट और पोती राहत कहाँ है। जी हाँ, इस तस्वीरों के सामने आने के बाद तमाम लोग ये सवाल करते दिखे। ऐसे में नीतू कपूर ये फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखी बताया, बेहद प्यारा और चीपरशिप दिन है, मैंने आलिया और राहा को बहुत मिस किया। इसके बाद इस फोटो पर आलिया ने भी लिखा, लव यू। जी हाँ, रिद्धिमा सहानी कपूर ने अपने मॉम का हाथ पकड़ने से इमोशनल फोटो शेयर की, जिससे उन्होंने कहा कि हम हमेशा साथ हैं। रिद्धिमा कपूर अपने मॉम नीतू कपूर के साथ उनके जन्मदिन के खास मौके पर उन पर कुछ ऐसे प्यार लुटाते दिखी। शादी के बाद पहली बार इंडिया लौटी दिलजीत कौर, एयरपोर्ट पर इस अंदाज में हुई स्पॉट, बेटे संग दिखी पोज। जिया, दिलजीत कौर दूसरी शादी के बाद पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई। इस दौरान उनका बेटा डेजन भी उनके साथ था। जिया, दिलजीत कौर शादी के बाद केन्या शिफ्ट हो गई। ऐसे में शादी के बाद पहली बार है जब दिलजीत मुंबई लौटी है। जिया, दिलजीत ने ब्लैक टॉप और ब्लू लूज जीन्स पहनी हुई थी। उन्होंने अपने लुक्स को वाइट स्किनर्स के साथ पूरा किया था। दलजीत एयरपोर्ट पर भारी भरकम चार लगेज को भी ले जाती दिखी। हालांकि उनके साथ पति निखिल और दोनों बेटियां नजर नहीं आई। बता दें कि दलजीत कौर ने 4 महीने पहले निखिल से शादी की थी। निखिल बिजनेसमैन है और उनकी भी दूसरी शादी है। पहली शादी से निखिल को 2 बेटियाँ हैं। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क, मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।